पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान् सब पर दया करो दयावान् सब पर कृपा करो भगवान् सबका सब विधि हो कल्याण सबका सब विधि हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रवीणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आज के हमारे मुख्य यजमान जो हैं दोनों लोग सब परिवार के क्या आगे आ जाए यहाँ पर थोड़ा आशीर्वाद आप लोग थोड़ी सी जगह किससे बना लें थोड़ी सी थोड़े से प्रयास करें विद्यार्थी बनता है वो उन्हीं
आई आज आज हमारे एक कुर्सी ले के लिए छोटी कुर्सी लगे आई आदमी से माता जी आप कुर्सी पर आ जाएंगे एक कुर्सी होगा आपको निकाल मंगा लेंगे आइए माता जी इस पर कुर्सी पर जाएंगे यहाँ पर आप यहाँ आ जाओ आप कुर्सी पर आप यहाँ बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ आप कुर्सी आप नीचे बैठे नहीं बैठ पाएंगे आओ नीचे बैठो बैठो जितनी बार बैठ सको बैठो ये भी कहाँ मिलता है नीचे बैठने का मौका दीक्षा का नहीं ऊपर बैठने का अवसर लगातार मिलता है अभी कुर्सी दो मिनट शीघ्रम इनम कॉपी ना आज हम सब लोग इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं मुख्य यजमान में हमारे पास में सभी लोग परिवार से पिता के साथ में आए हुए हैं बड़ी बीमारी है बड़ा विडम्बना है कई बार बड़े लोग बोलते हैं मैं बेटे के साथ रहता हूँ बड़ा अजीब लगता है बेटे के साथ बेटा ये बोले कि मैं पिता के साथ रहता हूँ ये गौरव वाला विषय पिता को ये बोलना ना पड़े कि मैं बेटे के साथ रहता हूँ उससे पहले बेटा बोले मैं पिता के साथ रहता हूँ ये बचपन है आनंद है नहीं तो आज हम भौतिकता के इस युग में कहाँ कहाँ जा रहे हैं रिश्ते तो बचे ही नहीं है कहाँ पहुँचते हैं तो दोनों ही लोग दोनों ही यजमान हमारे परिवार से पहुँचे हैं पिता के साथ पहुँचे हैं अतुल जी पहले आनाकानी कर रहे थे नहीं हो मैं क्या आना जरूर है आपने चार पांच बार फोन कर दिया हाँ तभी आए आ जाओ पर नुकसान हो समय का कर लो नुकसानों का व्यापार कर लो बहुत जरूरी है कोई चिंता नहीं करनी कोई बात कमा लेंगे बाद में कमा लेंगे ये जो अवसर है ये जो प्रेरणा मिलती है ऊर्जा का काम करते हैं और विचार व्यक्ति को आगे बढ़ाता है विचार विचार सही है तो पतन होने से बच जाता है मैंने आप सभी से निवेदन किया था विपिन जी की बुकिंग बहुत पहले थी आप और अतुल जी से आप भी आओ उन लोग यजमान पधारे हैं हम सब लोग आपको अपनी शुभकामनाएं आचार्य गण बाहर से मानुभाव भी प्रदान करेंगे उन सब बातों को ध्यान देना आज श्रद्धा के नाम पर जो चल रहा है हमने उसको समझना थोड़ा समझना है श्रद्धा का अर्थ कुछ भी के प्रति किसी के प्रति श्रद्धा करना का श्रद्धा नहीं है कुछ भी कर रहे हैं श्रद्धा होनी चाहिए नहीं ऐसे श्रद्धा भी बुद्धि पूर्वक होनी चाहिए अगर बुद्धि पूर्वक उस कार्य में श्रद्धा नहीं है उसका कोई लाभ होने वाला नहीं मैं इसको प्रति श्रद्धा पैदा श्रद्धा कर रहा हूँ क्या ये रोटी है श्रद्धा है मेरी इस माइक के प्रति तो केवल श्रद्धा करने से इस माइक से मेरी तृप्ति नहीं होने वाली तो श्रद्धा के लिए बुद्धि जरूरी है बुद्धि पूर्वक श्रद्धा करना बुद्धि पूर्वक इसलिए आज गुरु पूर्णिमा तो हो रही है अच्छी बात है पर गुरु पूर्णिमा के नाम पर गुरुडम होगा आप कहां जाएंगे थाली मिलेगी आपको गुरु जी को अर्पित करने के लिए 5100 रुपए आप दी तो गुरु जी क्या खाना कितना खाएंगे थाली कितने खाएंगे तो वो थाली धन्यवाद शुभकामनाएं उन्होंने थाली पैक कर थाली पूरे दिन भर में कम से कम 400-500 बार घूमेगी कितना बड़ा करप्शन हो रहा है पता दे सकते इसके नाम पर गुरु डॉक्टर इसलिए गुरु जो हम सब लेके चल रहे हैं व्यास पूर्णिमा मना रहे हैं वहां आर्य समाज का दृष्टि थोड़ी सी अलग है और उनकी अपेक्षा
हमारा चिंतन अलग है, एक लव्य से शिष्य बने। आइडियल फॉर द स्टूडेंट इज एक लव्य दयानंद एंड आइडियल फॉर द टीचर्स चाणक्य गुरु बिरजानंद। हम आइडियल बने एक लव्य के समान, दयानंद के समान, और गुरु हमारे कैसे हो बिरजानंद के समान, नरेंद्र को भी जिन्होंने। इसलिए सभी को शुभकामनाएं, ये विचार आप लेकर के जाएं, हमें आगे बढ़े। आई जल्दी से सभी को आशीर्वाद, जल्दी से पूछ शीघ्र समय और आप सभी लोगों के बीच में हमारे पास में डॉक्टर मोक्ष।